लीजिए साहब, 3 तारीख में, 3 जनवरी 2022 में, अभी हथकटी को आपने देखा, भुवन सिंह को भी देखा वहीं खिलाते हुए, अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। और बीज भंडार में भुवन सिंह ने कहा था कि वहाँ कम खा रहे हैं, लेकिन खैर चलो, जो भी है, जो पड़ा हुआ है खा रहे हैं। और अब छत के ऊपर आदमी अभी गेहूँ कस के डालेगा जाके, हाँ फेंकने की ज़रूरत क्या है भाई, अमरूद नीचे फेंको, अभी नीचे कहाँ, यहाँ डालो, वहाँ फेंको, किनारे किनारे। पतली वाली रोटी गाड़ी में रखी, हाँ ठीक है, पर पतली वाली रोटी का भी कमाल हम करेंगे। आपका गेहूँ हो गया, ठीक। अभी भुवन सिंह से कहा कि अब देखो, क्योंकि आदमी हम लेके आते हैं, आदमी लेके आते हैं तो राशन बहुत लेके आ रहे हैं, ठीक। अब 150 रुपया खाली बंदर खिलवा ही हमको देना पड़ता है इनको, आधे दिन समझिए गए, 300 मजदूरी है इनकी, तो अब 150 रुपया केवल खिलाने के नाम पर अगर खर्चा होगा तो कहें ना कस के डाल दिया जाए। अच्छा, हम कस के डालेंगे तब लोग जो कहें बाबा जी बताओ, बाबा जी पैसा नहीं लेते, बाबा जी भैया पैसा भेजो, अब जब भाई अब नहर खुल गया है तो भेजो, और हम काहे लिए ऐसा मंगवा दें कि एक इकट्ठा हो जाए, लो भाई खाओ, ले 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 ले, उठाओ 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 उठाओ। अच्छा, अच्छा, बालाजी, अरे लो यार, तुम कहाँ आ रहे हो, लो बालाजी लो खाओ, आओ बालाजी, आओ बालाजी, बालाजी बालाजी, तुम देखो ये भी लो बालाजी, तुम आओ, हट हट हट, लो बालाजी कहाँ, लो अच्छी बात, ठीक। हाँ तो आज हमने भुवन से कहा कि भैया मुंशीगंज की आप जाओ तैयारी करो, पेट्रोल जो लगेगा हम देंगे, राशन पानी देंगे, आपको केवल मेहनत करना है, काम वो करो जिससे इनका ज्यादा भला हो। ये मेरा तेरा दिमाग से निकालो, आज भावरे से मोटरसाइकिल से गए रहे, बोलो ये क्या है, इनका दिमाग इस भयानक जाड़े ने, नहीं ठंडी रहता पूरा पूरा कूलर के आगे मरो, अपने जान सवेरे 6 बजे मोटरसाइकिल के चलने, मतलब आप कूलर के आगे बैठे हैं, नहीं चल जाते तब, लेकिन अब उनको कैसे समझाएं, क्या बताने, लो हट ले, भैया महीने आज तक मैंने कहा बंदे से कि भैया क्यों, अरे दुलारी आ गई, ले 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 ले, मैंने कई बार कहा है नहीं, बचाना नहीं है, नहीं ऊपर डालो, थोड़ा यहाँ किनारे डाल देना, यहाँ वाले में चढ़ के लो खाओ खाओ। तो जब गाड़ी जा ही रही है, का सीढ़ी हटाइयो का, अच्छा भले बताओ, आओ जल्दी आओ भाई। तो हमने कहा जब उनको जाना है, गाड़ी जाती है उसी में चलो, अपना सामान तेरा मेरा के चक्कर है, अपना ले चलो, अच्छा हाँ हाँ हाँ। अरे तो अब ये राजकाज ये सब चले करत, ताकि इनकी संख्या बढ़ रही है, ना कोई महात्मा बोल रहा है, ना कोई नेता बोल रहा है, ना कोई मंदिर का पुजारी बोल रहा है, केवल श्याम साधु बोल रहा है, क्योंकि पूरे विश्व का भगवान ने उसी को ठेका दे रखा है, वही बोल रहा है, अब आप लोग हमारे समर्थन में है, तब तो इतने बड़े हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या आबादी है, यहाँ पर केवल 2 ही 3 लोगों की जनसंख्या के लिए देखिए किसी के मुंह से निकल रहा है कुछ, ना 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 ना, कहीं सरकार वैकेंसी नहीं, अरे साला जो है 1000 वैकेंसी है, 1 करोड़ फार्म भरा जा रहा है, हाँ हाँ, फिर भी तो जो है बेरोजगारे रहेंगे, सबको घुसेड़ी देगी ना, हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कौन सांस नहीं लेते ना, तो विडम्बना ये अभी अगर सरकार ये कानून लागू कर दे
नहीं नहीं बाबा जी, जब इंसानों की ही जनसंख्या पे बताइए जो है नियंत्रण नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो इनकी जनसंख्या कल्पना कर सकते हैं? नहीं, हाँ वो तो है, लेकिन ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, पहले तो इंसान पे लगे, हाँ इंसान पे लगेगा तो भुखमरी कम होगी, कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, हाँ तो आदमी पैसा कमाने में भी सक्षम रहेगा, खर्चा करने में भी। और यहाँ देखिए इंसान खुद ही मरा जा रहा। तो यही है, कुछ नहीं विनाश हो, हम तो रोज मनाते हैं। ए अभी कोरोना आया है, कहीं इतने हजार हमको जैसा मजा ना आ रहा हो, ये बता लगे कि 1 लाख यहाँ मर गए, 3 लाख वहाँ मर गए, तब भी तो होगा, लाखों में है, करोड़ों में आदमी को मरना चाहिए महाराज त्रिपाठी जी, उसी दिन आदमी सुधर जाए। इंसान इतना होने के बाद भी चेता नहीं है ना, चेतेगा जी। खाओ लो भैया, उनको आशीर्वाद दे दो, क्या नाम, ईश्वर चंद सिंह को और खुदी सिंह को, जो उनकी धर्मपत्नी हैं। अब फौजी लोग बेचारे हमसे जुड़ रहे हैं, फौज के लोग, सोचिए आप। उन्होंने कहा बाबा हम महीने में 5 किलो गेहूँ दिया करेंगे, हम कहा ना 1 किलो बस, 1 से ज़्यादा हम आपसे हैं, हम वो भी न लेते। लेकिन अब उनकी इच्छा है कि आपका कहें नहीं बाबा जी अंश का दान होना चाहिए, हम कहा अंश का दान 1 किलो महीने में दे दो हमको, है ना बढ़िया बात महीने, इसलिए कि अरे आप लोग तो खुद ही एक महात्मा जैसा काम कर रहे हो, ना कोई रिश्वत है, ना कुछ है ही नहीं, और जान पर खेलना, नौकरी का है कि है जान पर, यानी सीधे या तो मारो या तो मरो, है ना, यही है फौजियों की जिंदगी, यही है। और घर के लोग कितने चिंतित रहते हैं, जब लड़ाई छिड़ जाती है कितना हाहाकार मचता है, और आए दिन पाकिस्तान में ये मारे गए वो मारे गए आए वो चले करता है सब, कहीं बताए इंसान है कहाँ। हो गया भैया, गेहूँ थोड़ा बचा, हाँ हाँ जाओ उसी पैर पर चल के वहीं डाल दो, सामने ना जाओ, वहाँ कल एक जने कानून एक से एक कमीने हैं ना, अरे कोई था सवेरे और बढ़िया एक लाइन से बंदर खा रहे थे। अब एक बात बताओ, दीवार पर रख दिया अगर इस आदमी ने तो जुर्म है, और दीवार के नीचे अगर हम खड़े हैं चाहे जितने बंदर खिलावें तो वो जुर्म नहीं है। अरे बेवकूफ़ी है, दीवार पर अगर देखिए हम यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए नहीं, लोगों की कुत्तों की टोकने की आदत, मानसिकता बन चुकी, बस मानसिकता है टोको मत खिलाओ, बस खिलाने अगर ना खिलाने से अगर ये ना आए तो ठीक भी, हाँ वो तो ना खिलाने से भी। अब हम ऊंचे पर होते उनसे पूछते कि अगर एक बार बताइए हम कितने थप्पड़ आपको मारें, अगर आपसे हम पूछे आपने अंदर काहे लिए पाल रखा है इनको, बिल्कुल भगाओ वहाँ से भाई, वहाँ से हटाओ, भगाओ। नहीं बताइए दीवार के हम इस पार खिला रहे हैं, उनकी औकात है कुछ कर, तो अगर मैंने दीवार पर रख दिया तो कौन सा गुनाह किया, और फिर ये इनका पेट भरा रहेगा ना, कि अगल बगल के मकानों में नुकसान नहीं करेंगे भाई, यहाँ बीज भंडार के साहब लोग कहीं नहीं मना करते, उनका पेट भरा है तो उनके घर के गेहूँ फैलाए हैं या कपड़ा टंगा है, ये लोग नहीं जाते वहाँ पर, और अगर ये भूखे रहेंगे तो ये ढूंढेंगे कपड़ा, अरे जौन पाई है वही काट देंगे हमारे गुस्से के, तब एंटीना पेंटीना ये सब हिला दे तो वहाँ, और वहाँ कोई नहीं जा रहा क्योंकि इनका पेट भरा हुआ है, ये भावना होनी चाहिए। सोच तो ये बन चुकी है ना कि अगर नहीं खिलाएंगे तो नहीं आएंगे, और ये नहीं पता है कि नहीं खिलाने पे और आएंगे ढूंढेंगे आगे, और फिर इनका अड्डा यहाँ क्यों बना, क्योंकि ये बीज भंडार है, आए दिन ट्रक उतरा कुछ दाने गिरे, कुछ यहाँ पछोरा निकला, उसी में बिन लिए खा लिए, और पानी की टंकी अंदर तमाम लगी है ही है, पानी बरसा तो अंदर मकान में घुस गए, देखिए ये ऊपर छज्जा है, पानी बरसता है यही छज्जे के नीचे ऊपर ही सब बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, ये देखो ये कहाँ से आ गया, ये वही वाला है, वो वाला है, दरवा। अरे बाप रे बाप, तो एकदम जवानी, भुवन सिंह का चना खा जवान हुई कल आए रहे भुवन सिंह सुबह, हम कल सुबह भी आए थे ना, अच्छा। कल शाम को भी आए, सुबह आए रहे बाहर के लोग, उनको लेके आना पड़ा, अच्छा। जो भंडारा हुआ था तो उनको देखे आए तो उतने में आ गया पोस्ट मास्टर, हम कहा भैया ये सब नीचे डाल के चले जाओगे, कहें अच्छा शाम को आ जाए, ये नहीं कि छज्जा पर डाल दे ना, आई हैं जरूर जमीन में डली हैं जरूर, कई लोगों ने कमेंट लिखा कि ये लोग आपसे जुड़े तो हैं लेकिन आपकी नहीं मानते, अपनी मन की करते हैं चाहे जौन हुए,
तो हम कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। अब आपने भी देखा कुछ ये घोड़ी एक एक चला खाती है, देखिए वही गई है। हाँ हाँ वही गई है, देखो या देखो देखो हाँ देखो वही भुवन सिंह का चना खा रही है, देखो भुवन सिंह है। लेकिन क्या सुनोगे? नहीं सुनोगे, मानोगे? नहीं मानोगे। लो देखो तो घोड़ी को खिलाओ है, नाम किया बंदर के लिए, देखो घोड़ी खा रही है। त्रिपाठी जी ने कहा एक एक चना और यहाँ तो पूरा ढेर का ढेर पड़ा है। अभी वो ढेर खत्म करेगी, ये ढेर खत्म करेगी। बताओ मोटरसाइकिल से भौरे सुरन, अरे हम कहा यार जब मालूम है, और फिर आज तक गाड़ी नहीं चला सीखा। अरे पढ़े और लिखो, गाड़ी चलाना सीख लो। बहुत ठंड रहती है 6 बजे, और क्या 6 बजे हमारे बस का नहीं। नहीं नहीं भाई, बंद गाड़ी हो तो बैठ जाओ। हाँ, और बैठ करके जो है 4 बजे से लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोटरसाइकिल से, अरे बाप रे बाप, अगर मान लीजिए ठंडी लग गई, हाँ 4 दिन तबीयत खराब है, वो मैं चलो जो है फूको खराब नहीं है, और ना हो जाएगा तो और क्या, तब लेने के देने। और बाद में जो है सारा परिवार हम ही को गाड़ी देगा बेगुनाह, जबकि बाबा मना करता है कि देखो ऐसे मत चला करो, ऐसे मत जाया करो। शरीर की सुरक्षा, बस स्वयं की सुरक्षा। भाई गीता में क्या लिखा है, जो अपनी सहायता नहीं करता मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ, ये साफ साफ गीता में लिखा है। कहे भैया लो खाओ बिल। चलिए बाबा जी, अच्छी बात, ठीक है। सीख हुआ को दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए पोस्ट मास्टर और भुवन को कि झोंझ बजा कर जाए। इनको सीख देना बेकार, इनका लाख समझाओ, इस वहाँ नमनी है। अरे लोगों ने कमेंट में लिखा, हाँ भाई हमने आपको जो जो कहा आपने हमारी बात मानी, और सुनिए और आपको उससे राहत मिला, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूब राहत मिला, आप आत्मा को शांति मिली। सबसे बड़ी समझ लीजिए, सबसे बड़ा तो वही धन है, वही धन है अगर मन प्रफुल्लित है बस, कि आपने भाई ये देखा, भाई हम बुढ़े हो गए करते करते, अब हमसे ज्यादा इसके बारे में कौन जानता है, तो हमने रास्ता बताया आपके लिए कितना आसान हो गया। नहीं पहले बड़ा हेडेक था, क्या कोई कभी फुर्सत है कभी नहीं फुर्सत है, कभी गैस नहीं है कभी आटा नहीं, एक उलझन। अब नो उलझन, कोई उलझन नहीं, और ना भिगाना ना फुलाना, और भिगाने उगाने में कहीं मिट्टी लग रही, कहीं बदबू आ रही, सूखा सूखा दे, और किस तरह झपट्टा मार के खाते हैं सब। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जैसे मान लीजिए आदमी जैसे एक बार को रोटी बनाने मान लीजिए लापरवाही कर गया, हाँ इसमें क्या है कि हाँ। रखा है बस आपको निकाल करके बस 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 कुछ करना ही नहीं है, तब यही है सब, तो ठीक है चलते बाबा जी। अच्छी बात, जय जय जय। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आप भवनेश्वर तो गए नहीं? गए हैं 3-4 बार। अच्छा है, तो हमारी जब गाड़ी जाए तो उसे जब गए थे जो है गेहूँ डाले थे आपके हमारे साथ। नहीं नहीं, हाँ बात नहीं हो रही थी हमारी आप। हाँ हाँ, तो हमने बताया था कि अभी गए थे जो है रविवार को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रविवार को हम यहाँ से गए थे तो हम 3:30 बजे पहुँचे थे। अच्छा अच्छा, फिर आराम से जो है 2 घंटे करीब जो है खिलाए। हाँ हाँ, फिर दर्शन करके निकल आए। अच्छा, अब बहरहाल जब भी चलेंगे संडे को चलेंगे। हाँ 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 बिल्कुल, हो गया चलो बंद करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज की 3 जनवरी 2022 का भोज हो चुका है। भुवन सिंह देखिए घोड़ी सब चना खा रही है, घोड़ी खिलाना है, गाय को खिलाना है, दरवाजे अपने दरवाजे देते हो कहे लिए, लाख हुई कमाना करो भुवन का, देखो कौन हिसाब से डाल के गए हैं, और यही मैं पकड़ जा जौन मना करो वही का ही जरूर करी है। अब देखो अगर यही बिथराग डाले होती है कि नहीं, अब ये गैया घोड़ा के आगे कोई बंदर का मजार के खा लिया ही मैं, वो डरा था ना इनका। तब चले कहा बालाजी, चले भैया जय हो जय।